कंपाउंड एक्स C7H9N रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव C13H13NO2S विच इज इनसोल्यूबल इन एल्कली। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि मेरा जो प्राइमरी अमीन होता है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट भी करता है और एल्कली में सोल्यूबल भी होता है। यहाँ R मतलब रिएक्शन और S मतलब सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये टेस्ट रिएक्शन होता है। जो सेकेंडरी अमीन होता है मेरा वो रिएक्ट तो करता है बट एल्कली के साथ सोल्यूबल नहीं होता, और जो टर्शरी अमीन होती है बच्चों वो रिएक्ट ही नहीं करती, तो सोल्यूबिलिटी की तो बात ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो उसने मुझे बोला है कि वो रिएक्ट तो करता है बट सोल्यूबल नहीं होता, मतलब वो सेकेंडरी अमीन है। तो हमें बस अपने ऑप्शन से पहुँचाना है कि कौन सा सेकेंडरी अमीन है। तो ऑप्शन ए देखिए बच्चों, नाइट्रोजन जहाँ पर दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा वो मेरा क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी अमीन होगा। सो ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हो कि बेंजीन के साथ भी एक तरफ अटैच है, वो भी एक कार्बन ही तो चैन है, और दूसरा एक तरफ CH3 के साथ अटैच है। सो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा, सेकेंडरी अमीन, और ऑप्शन ए ही मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन।